हेलो तो दोस्तों आइए आज हम लैंग्वेज स्टडी के दूसरे दिन में पहुंच गए पहले वीडियो में आपने लैंग्वेज स्टडी का एक भाग देखा था और आज लैंग्वेज स्टडी के भाग दो में हम आए हैं इस भाग का भाग दो का नाम दिया गया है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का संसार अब शब्दों के संसार में क्या क्या है चलो हम सैर करते हैं शब्द के संसार में शब्दों की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं तो सबसे पहले आप देखें नंबर एक पे आता है एजेंट नाउन एजेंट नाउन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लैंग्वेज स्टडी का इसका मतलब क्या होता है नाउन तो आप लोगों ने सुना ही होगा नाउन के प्रकार आप जानते होंगे पढ़ चुके हैं एजेंट नाउन वह नाउन होता है जिसकी उत्पत्ति किसी और नाउन से होती है मींस एजेंट नाउन इज ए नाउन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर नाउन एजेंट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन ए काइंड ऑफ नाउन विच इज डराइड फ्रॉम अदर नाउन आप इसकी के इसके डिफिनेशन के अलावा इसके शब्द को देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे जैसे प्ले प्ले क्या है एक नाउन है अगर प्ले में हम ई आर एड कर देते हैं तो प्ले का बन जाता है प्लेयर और प्लेयर एक एजेंट नाउन है ओके दूसरा एग्जाम्पल देखिए साइंस साइंस क्या है साइंस एक नाउन है साइंस वर्ड नाउन है और साइंस को अगर हम चाहें उसमें कुछ प्रिफिक्स जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जोड़ करके बना लेंगे साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा एक एजेंट नाउन हो जाएगा साइंटिस्ट एजेंट नाउन है समझ में ना इस प्रकार से ढेर सारे शब्दों का आप एजेंट नाउन बना सकते हैं जैसे रन रनर टीच टीचर थिंक, थिंकर या थिंकर। इस प्रकार से आप एजेंट नाउन बना करके, समझ करके तैयार कीजिए आइए अब देखते हैं दूसरा वर्ड है शब्दों की दुनिया का दूसरा शब्द है क्वाइनिंग वर्ड क्वाइनिंग वर्ड क्या होता है बच्चों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दो शब्दों को हम इस प्रकार से लेते हैं कि पहले शब्द का केवल एक अक्षर लेंगे और दूसरा पूरा पूरा लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रकार से ईमेल, जीमेल, जी मेल ई लर्निंग ई टिकट आई टिकट ढेर सारे शब्द आप लोग देखते होंगे और वर्ड खोजने का प्रयास कीजिए और एक लिस्ट बनाइए जितने भी एजेंट नाउन जितने भी क्वाइनिंग वर्ड आप पाते हैं उसको एक तालिका बनाकर तैयार कीजिए चलिए तीसरे शब्द पर आता है तीसरे नंबर पर आता है ऑर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर इज ए टाइप ऑफ नंबर ऑर्डिनल नंबर इज ए टाइप ऑफ नंबर विच द ऑर्डर ऑफ नंबर नॉट ए नंबर बट ऑर्डर ऑफ नंबर आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हंड्रेड ऐसे सारे शब्द पहला दूसरा तीसरा ये ऑर्डर बताते हैं ये क्रम बताते हैं अक्रम क्रम बताने वाले सारे शब्दों को हम ऑर्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पैसेज के क्वेश्चन नंबर ए थ्री में वो कैब क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन प्रकार हो सकता है फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल नंबर फ्राम द पैसेज तो आप पैसेज में देखिए वहां पर कुछ वर्ड्स वर्ड आपको मिलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसको निकाल के लिखिए आपका आंसर तैयार चलिए अभी तो ऑर्डिनल नंबर हो गया उसके बाद बारी आती है कॉर्डिनल नंबर तो कॉर्डिनल नंबर क्या है कॉर्डिनल नंबर बिल्कुल आसान है जिन नंबर से ऑर्डिनल नंबर आपने बनाया था फर्स्ट किससे बना वन से तो वन एक कॉर्डिनल नंबर है इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लास्ट तक जितने भी नंबर हम काउंट करते हैं उनको हम कॉर्डिनल नंबर की श्रेणी में रखते हैं ओके चलिए पांचवा है शब्दों की दुनिया का शब्द होमोफोन्स अब होमोफोन्स क्या होता है हम वहाँ पहुँचे आप लोग जानते होंगे एक कोलोकेशन है कोलोकेशन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कोलोकेशन का मतलब जैसे मान लो होमो मीन्स होता सेम और फोन्स मीन्स साउंड होमो मीन्स सेम और फोन्स मीन्स साउंड ऐसे सारे शब्द जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण बोलने का तरीका सेम हो एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं हीयर हीयर एच ई आर ई एच ई ए आर दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों की मीनिंग भी अलग होगी लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है हीयर हेयर दूसरी जोड़ी देखिए कम कम सी यू एम कम ओके, -E okay? इस प्रकार से आप ढेर सारे वर्ड है, ओके, okay? ये हो जाता है होमोफोन्स, अब होमोफोन्स के बाद हम आगे आपको आग बताते हैं एनाग्राम एनाग्राम बड़ा ही जादुई शब्द है बड़ा ही एक इसको हम गेम्स के रूप में लेते हैं बच्चों को खेलने के लिए ऐसा दिया जाता है इससे स्पेलिंग आपकी स्ट्रांग होती है और प्लस से नए वर्ड का सृजन होता है नए वर्ड का हम क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल देखिए यहाँ एक वर्ड है एन ओ टी ई नोट एन ओ टी ई नोट आगे जा कर के हमने इसी शब्द के जितने भी लेटर्स हैं उनके क्रम को चेंज कर दिया टी टी ओ एन ई टोन सारी के सारे लेटर्स वही हैं, बस इनके क्रम को चेंज करके एक नए शब्द को बना दिया गया है इसको बोलते हैं एनाग्राम नोट टोन बनाइए ईट एट होता ना ईट एट अगर हम आगे लिखें बट लिख दे बट था हुआ था हुआ बी यू टी बट अगला क्या होगा ना तो ये सारे के सारे पेयर्स क्या कहे जाएंगे अब आगे बारी आती है आपके सातवें क्रमांक की होमोनिम्स होमोनिम्स बच्चों आप ढेर सारे वर्ड निकालिए बनाइए समझिए बच्चों से पूछिए दोस्तों में पूछिए तो गेम खेलिए बहुत अच्छा लगेगा बैंक बैंक जानते हैं ना बैंक एक वह बैंक होता है जिसमें हम पैसे डालते हैं पैसे निकालते हैं पैसे रखते हैं वो बैंक और एक बैंक होता है किनारा नदी का नदी का किनारा स्पेलिंग सेम है प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन इसके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है बैंक नदी का किनारा बैंक बैंक बार बी ए आर ये क्या होता है बार माने होता है रॉड सरिया और एक बार होता है एडवोकेट्स एसोसिएशन जहाँ पर कचहरी में वकील एडवोकेट का जो संस्थान होती है एसोसिएशन होता है उसको बार कहते हैं और उसके अलावा अगला है बार्क बी ए आर के बार्क बार्क माने होता है किसी पेड़ की टहनी या शाखा और बार का मतलब बात का मतलब टहनिया सा का और बात में भौंकना तो कुत्ते बोते भौंकते हैं डॉक्स आर बार्किंग अगला वर्ड बार देखेंगे बैट बी ए टी बैट बी ए टी बैट अब बैट एक होता है जो आप लोग खेलते हैं छुट्टियों खेलते हैं ना और एक बैट होता है चमगादड़ बैट चमगादड़ और बैट खेलने वाला बैट बल्ला तो इस प्रकार से ये बैंक बात बार बैट ये सारे सारे वर्ड क्या कहे जाएंगे होमोनिम्स ऐसे ढेर सारे होमोनिम्स अपने बुक से खोज करके अपने मन तैयार करके एक लिस्ट बनाइए तैयार कीजिए और इसका एग्जाम में भरपूर लाभ लीजिए इसे मार्क्स आइए अपने डेली के पढ़ने में लिखने में बोलने में लिखने में इसका उपयोग कीजिए अपने ज्ञान का ज्ञान की वृद्धि कीजिए ओके अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ कुछ नए अंग्रेजी की जानकारी के साथ में तब तक के लिए आप तो तैयार कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए ओके और यूट्यूब देखने के बाद में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ओके थैंक यू सी यू सो